हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ स्कीम्स कवर अप की थी। ये हमारा पार्ट सेकंड रहेगा, इसमें हम कुछ स्कीम्स कवर अप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्कीम हमारी है परंपरागत कृषि विकास योजना। हमारी यहाँ पे कौन सी है स्कीम है जो कि हमारी लॉन्च्ड कब हुई है, लॉन्च्ड हुई है हमारी अप्रैल 2015 में। ये क्या हुई है, हमारी लॉन्च्ड हुई है। और ये क्यों लाई गई, ये हमारे क्यों लाई गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लाई गई। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे फार्मर है उनको क्या प्रोत्साहित किया जाता है, किसके लिए, हमारी जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए उन्हें क्या की जाती है इस स्कीम के द्वारा सहायता, उन्हें आर्थिक सहायता क्या होती है उनकी की जाती है। तो ये प्रमोट क्यों की गई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री में क्या की गई थी, ये प्रमोट की गई थी। एवरी फार्मर, हमारा हर एक फार्मर विल बी प्रोवाइडेड ₹20,000 पर एकर इन 3 years में फॉर सीड टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स एंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस हमारा कहां पे इन टू द मार्केट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, 50 और मोर फार्मर्स जो हमारे 50 और 50 से ज्यादा विल फॉर्म अ क्लस्टर हैविंग 50 एकड़ लैंड में क्या किया है उन्होंने, उन्होंने लिया है टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए इस स्कीम के द्वारा अंडर द स्कीम। और अगर एरिया वाइज की बात की जाए, यहाँ पे एरिया वाइज में जो सबसे हमारा फर्स्ट रैंक में है वो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में, और सेकेंड में हमारा राजस्थान है, और थर्ड में हमारा महाराष्ट्र इसमें आ जाता है। सिक्किम क्या है हमारा, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम हमारा एक पहला ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। अगर यहाँ पे फंड की बात की जाए, फंड की अगर यहाँ पे बात करते हैं, स्कीम इज इंप्लीमेंटेड विद अ 90:10 GOI स्टेट गवर्नमेंट। GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडिंग पैटर्न इन 8 NE स्टेट्स और 3 hilly स्टेट्स ऑफ JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड 100% इन यूनियन टेरिटरी में, और 60:40 फंडिंग पैटर्न जो है हमारा रिमेनिंग स्टेट ऑफ द कंट्री में है। मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 90% एंड 90% यहाँ पे क्या है हमारा GOI का हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया, और जो 10% है हमारा वो क्या है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग पैटर्न है हमारा। कहाँ पर है, एनी पे मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न पे के क्या है उसके अंदर है, और 3 hilly स्टेट्स में हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में, और 100% है हमारा कहां पर यूटी वाले केस में। यूटी क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल कहां पे है हमारा, उसका यूटी जो हमारा है उसका है क्या है कंट्रोल तो किसके पास है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो नॉर्मल स्टेट वाले केस में क्या है 60:40 का फंडिंग पैटर्न है। गवर्नमेंट यहाँ पे कितना देगा, 60 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारा 40 कौन देगा यहाँ पे स्टेट देगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम स्कीम की बात करते हैं, नेक्स्ट स्कीम हमारी है मृदा परीक्षक स्कीम। मृदा परीक्षक स्कीम क्या है हमारी, ये लॉन्च्ड कब हुई है, 18 फेब को लॉन्च हुई है 2015 में, इसे लॉन्च किया गया है। ये सेम सॉइल हेल्थ कार्ड की तरह है, वो वहां 15 में हुई थी, यहाँ 18 में हुई है। मृदा परीक्षक क्या है, मृदा परीक्षक डिटरमाइंस ऑल द इंपॉर्टेंट 15 सॉइल पैरामीटर्स। ये हमारी 15 सॉइल पैरामीटर्स पर क्या करती है हमारी, ये वर्क करती है विद पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिप्सम रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट एंड कैल्केनियसनेस। मीन्स ये क्या करती है हमारी 15 पैरामीटर पर क्या करती है हमारी वर्क करती है। और अभी कुछ टाइम पहले जो नागार्जुना है एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसने क्या किया, कोलाब्रेशन किया है, किसने किया हमारा IISS ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ने, जो कि कहां पर लोकेटेड है हमारा भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हमारा लोकेटेड है। अगर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC है। ये हमारे किसको फायदा देती, किसानों के नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, ये हमारा किसके लिए है, हमारे फार्मर्स के लिए। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन August 1998 में। इसे क्या किया गया था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एलिजिबिलिटी जो इसके लिए रखी गई है हमारी, एलिजिबिलिटी जो है इसमें मिनिमम एज कितनी रखी गई है आपकी, 18 ईयर्स,
और मैक्सिमम एज जो इसमें है हमारी 75 इयर्स है। इसमें भी लेकिन क्या है हमारी एक कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ पे क्या है, 18 से 60 साल तक का जो है वो क्या करेगा इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ले सकता है, लेकिन जो 60 साल से ऊपर है जिनकी एज वो क्या करेंगे, अगर बैंक के पास चला गया केसीसी लेने के लिए तो क्या बोलेगा बैंक, बैंक को क्या चाहिए होगा, एक गारंटर चाहिए होगा, और जो इसकी मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 75। मींस इसमें क्या है 60 साल के जो ऊपर हैं उनको क्या चाहिए, गारंटर चाहिए, और जो 60 साल से पहले हैं तो उनको गारंटर की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम अपना पॉइंट देखें, एज इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस क्रेडिट लिमिट्स कुड बी एनहांस्ड टू टेक केयर ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एक्सेट्रा। मीन्स इसमें क्या है, अगर आप सही तरीके से गुड परफॉर्मेंस अगर आपकी है तो आपकी जो क्रेडिट को, जो क्रेडिट की जो लिमिट्स हैं, जो केसीसी के अंदर जो क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कब बढ़ाया जा सकता है, अगर आप सही तरीके से लोन को वापस करते रहेंगे तो जो केसीसी की जो हमारी क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको आपका बढ़ाया जा सकता है। ईच ड्रॉल टू बी रिपेड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो हमारा हर एक ड्रॉल को रिपेड कर दिया जाएगा कब, हमारा 12 महीनों के अंदर अंदर। मैक्सिमम जो आपको पीरियड दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपको 12 मंथ्स का पीरियड दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी मार्जिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये क्या है एज पर आरबीआई नॉर्म्स, इसे क्या बैंक को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। और हमारा आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या डिसाइड किया, हैज डिसाइडेड टू रेज द लिमिट फॉर कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स फ्रॉम ₹1 लाख ₹1.6 लाख। मतलब इसमें क्या किया आरबीआई ने, क्या डिसाइड किया आरबीआई ने, डिसाइड किया जो हमारा कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट है उसको क्या किया जाए, रेस को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं, रेस कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 1 लाख से, पहले क्या था ये 1 लाख था, अब इसे क्या कर दिया गया 1 लाख से क्या कर दिया गया 1.6 लाख तक का, इसे क्या कर दिया गया, इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई। कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन क्या है यहाँ पे, उससे फ्री लोन लिमिट, मतलब यहाँ पे क्या है कोलेट्रल मीन सिंपल से अपनी लैंग्वेज में एक बैंकिंग टर्म है, सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था 1 लाख तक का अगर लोन लिया है तो क्या करना पड़ता था, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को क्या कर दिया है आरबीआई ने, बढ़ा दिया है। अब ये 1 लाख से कितनी कर दी गई है, 1 लाख से इसे 1,60,000 इसकी लिमिट कर दी गई है। द किसान क्रेडिट कार्ड ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेट फार्मर्स कैन ऑप्ट फॉर। इसमें क्या किया गया है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो किसान केसीसी के होल्डर है उनको क्या दिया जाएगा यहाँ पे, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाएगा यहाँ पे। क्या है, अंडर द इंश्योरेंस दे विल गेट कवरेज ऑफ अप टू कितना हमारा यहाँ पे 50,000 इन द इवेंट ऑफ डेथ। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो हमारा केसीसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे कितने मिलेंगे उस केस में, 50,000 उसे मिलेंगे। और अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, मीन्स कोई हाथ पैर ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे कितना दिया जा रहा है उनको, 25,000 उन्हें दिया जा रहा है इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसेबिलिटी। Is it clear? Next, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, द फार्मर्स गेट अ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, शॉर्ट टर्म जो हमारे आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे कौन आते हैं, जो एक साल, जो 12 मंथ के लिए होता है वो शॉर्ट टर्म है। द फार्मर्स गेट द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू ₹3 लाख एट रिड्यूस्ड रेट एट इंटरेस्ट 7%। की ध्यान रखेगा, जो हमारा पहले रेट था वो कितना था, 9% रेट था। अब क्या कर दिया गया, उसे 2% क्या किया गया, घटा दिया करा, जो कि रिड्यूस कर दिया, कितना बना दिया उसे 7%। इफ द फार्मर्स डिपॉजिट द लोन अमाउंट ऑन द ड्यू डेट दे गेट अनदर 3% रिबेट इन द इंटरेस्ट रेट। यहां पे क्या किया जाएगा, अगर हमारे जो फार्मर्स है अगर वो अपने ड्यू डेट, ठीक है ना, क्या करते हैं वो लोन को ड्यू डेट से पहले पहले, मींस 12 महीने से पहले पहले क्या करते हैं, अगर वो करते तो उन्हें क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, 3% की छूट भी मिल जाती है। मींस अगर उन्हें 3% के साथ में से छूट मिल जाएगी तो जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वुड बी ओनली 4%। यहाँ पे क्या है, अगर फार्मर ने डिपॉजिट करा है अपना लोन को ड्यू डेट से पहले पहले, 12 महीने से पहले पहले, शॉर्ट टर्म लोन है इसीलिए यहाँ पे 12 महीने से पहले पहले है, तो उनको क्या किया जाएगा, 3% की क्या है और छूट मिल जाती है। मींस यहाँ पे उनको क्या करना था, 7% देना था, 7 में से 3% की और छूट मिल गई, तो कितना हो गया ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% हो गया। इज इट क्लियर।
ओके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो ये फैसिलिटी है हमारे किसान क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, ये फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। हमारे पोल्ट्री वाले फार्मर्स को भी 2018-19 बजट टू हेल्प देम देयर मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स। पहले क्या था, जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड वाला स्कीम है 2018 से पहले वाले बजट में, 2018 से पहले क्या होता था, हमारे सिर्फ उन फार्मर्स को इनका फायदा मिलता था जो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप ग्रो करते हैं। और 2018 से 19 वाले बजट में क्या किया गया, ये उनको भी फायदा मिलता है, किनको, हमारे जो हमारे फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमारे फार्मर्स आते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग अ 2% सब्सिडी ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ ₹2 lakh दैट हैव बीन अवेल्ड बाय फार्मर्स हु आर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज विद अ किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे क्या है, जो सब्सिडी है थोड़ी अलग है। वो अलग क्यों है, क्योंकि जो हमारे क्रॉप ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके क्या लगते हैं, इनपुट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, और जो हमारे फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फार्मर्स हैं उनको उतनी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, 2% की सब्सिडी हमारे कितने लाख पर मिलती है, 2 लाख पर। अगर हमारा फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री वाला फार्मर लोन लेगा तो उनको क्या होगा, 9% में से 2% की छूट मिलेगी। लेकिन कहां पे, जब वो क्या करेगा, 3 लाख तक नहीं 2 लाख तक पर क्या लेगा, लोन लेगा। बट जो हमारे क्रॉप ग्रोइंग वाले फार्मर्स हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे उनके लिए जो हमारे उनपे क्या है, जो हमारे लेकिन क्रॉप ग्रोइंग वाले जो फार्मर्स है अगर वो लेगा, उसको क्या करना, उसकी क्या करी जाएगी, उसकी जो लिमिट्स है, क्रेडिट लिमिट्स जो है उसकी 3 लाख तक मिलेगी। क्यों मिलेगी ऐसा, क्योंकि जो हमारे क्रॉप ग्रोइंग फार्मर्स है उनको क्या होगा, उनको इनपुट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, जबकि जो हमारे फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के फार्मर्स हैं उनको उतनी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो हमारे नंबर ऑफ केसीसी है इशूड, जो कहाँ कहाँ पे है, हमारे उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक में, हमारा आंध्र प्रदेश हमारा सेकंड रैंक में है, एंड मध्य प्रदेश हमारा थर्ड रैंक में है। अगर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करें, नेक्स्ट स्कीम हमारी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके ऊपर मिलता है, यहाँ पर लोन पशुओं के ऊपर, एनिमल्स के लिए, और क्यों दिया जाता है, उनकी जो वर्किंग की, जो वर्किंग कैपिटल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी फार्मर की, तो वो मेनली क्या होती है, उनको पैसा चाहिए होता है। तो ये लॉन्च्ड कब हुई है, लॉन्च्ड हुई है हमारी 6 दिसंबर 2019 में हुई है। कहाँ पे हुई है, ये हमारी हरियाणा के अंदर हुई है। द कार्ड इज अलोंग लाइंस ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड विल अलॉट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द एनिमल ऑन योर लोन। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो एनिमल है, जो जानवर आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है। फॉर अ मुर्रा बफेलो, जो बफेलो की हमारी ब्रीड है मुर्रा, उसमें क्या है, जो हमारी क्रेडिट लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 76,300 विल बी आपको गिवेन, दी जाती है। इफ यू ओन एन इंडिजीनस काउ, अगर, तो यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट रखी गई है आरबीआई की, तो वो कितनी है यहाँ पे 70,825, और जो हमारी एग्जॉटिक काउ है उसके लिए कितनी रखी गई है हमारी 71,325, यहाँ पे क्या रखी गई है, क्रेडिट लिमिट्स रखी गई है। इफ यू ओन श्रिम्प, ब्रैकिश वाटर श्रिम्प स्पेसिफिकली, द क्रेडिट लिमिट विच विल बी ऑफर्ड इज ₹92,800 एंड ₹1,11,200 फॉर फ्रेश वाटर श्रिम्प। दिस स्केल ऑफ फाइनेंस हैज बीन डिसाइडेड आफ्टर द रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट क्या होता है हमारा, रिकरिंग कॉस्ट मतलब होता है यहाँ पे, रिकरिंग कॉस्ट से यहाँ पे क्या मतलब है, रिकरिंग कॉस्ट से यहाँ पे मतलब है जो आपके खर्चे बार बार होते हैं, ठीक है, मतलब जो दोबारा जो खर्चे होते हैं उसे क्या यहाँ पे रिकरिंग कॉस्ट। टूवर्ड्स फीडिंग, वेटनरी एड, वाटर, लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसमें एडिट किया गया है जो इसके अंदर है, तो इसे भी क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट मिल सकता है। श्रिम्प जो हमारे पोन, श्रिम्प मीन्स जो प्रोन कल्चर वगैरह होते हैं, मीन्स झींगा, तो यहाँ पे क्या है 90,000 से 1 लाख तक का लोन मिल जाता है फ्रेश वाटर श्रिम्प के लिए, और डिपेंड रिकरिंग कॉस्ट पे करता है, मतलब जो दोबारा हमारे क्या होते हैं, जो खर्चे होते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एनी पर्सन
who has cattle or fresh water shrimp more than a value of rupees 1.6 lakh collateral will need to be given to the bank. यहाँ पे क्या है, जो security collateral वहां पर देना पड़ेगा, कहाँ पर, जहाँ पे पशु के लिए क्या होगा, loan मिल जाएगा according to the क्या हमारे government. Collateral means क्या है यहाँ पे, security, जो कि क्या है हमारा एक, जो कि क्या होता है, जैसे security के paper, जमीन को भी जैसे गिरवी वगैरह पे रखते हैं, तो ये इसी में ये banking term है collateral, ठीक है ना. तो according to the government, government के अनुसार क्या है यहाँ पे, an owner can purchase, जो हमारा owner है वो क्या कर सकता है, purchase anything and everything with the credit limit. अगर उसको credit की जो limit दी जा रही है, अगर उसको loan मिल जाता है, तो government के द्वारा जो हमारा owner है, अगर वो कुछ भी purchase क्या anything और everything कर सकता है. However, he or she must repay the amount within 1 year to get an interest rate of 4%. यहाँ पे क्या है, फिर एक condition है, आप ले भी सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या बोला गया, जो खरीदना चाहते हो खरीद लो, bank क्या करेगा आपको loan दे देगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि repay करना भी जरूरी है, वो भी कब, एक साल के अंदर अंदर, और वो भी कितना रेट है यहाँ पे 4%, और जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस एंड दे बिकम डिफॉल्टर्स इफ द मनी इज नॉट रिपेड विद इन अ ईयर. यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया है, डिफॉल्टर का मतलब आप समझते होंगे, आपको कंकाल घोषित कर दिया जाएगा. यहाँ पे बैंक ने सीधे सीधे बोला है कि अगर आप पैसे नहीं पे करते हो एक साल के अंदर अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, कंकाल घोषित कर दिया जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, अब हम नेक्स्ट हमारी स्कीम है, किसान कॉल सेंटर स्कीम है, जिसे हम केसीसी भी बोलते हैं. ये लॉन्च कब हुई है हमारी, लॉन्च हुई है 21 जैन को, लॉन्च हुई है 2004 में ये लॉन्च हुई है. यहाँ पे क्या है हमारा, टोल फ्री नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर जो यहाँ पे दिया गया है 1800 180 1551. यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है. जो टाइमिंग रखी गई है यहाँ पे, टाइमिंग रखी गई है 6 AM to 10 PM तक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो. जो यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं वो दो लेवल पे होते हैं, और जो हमारे टोटल केसीसी हैं वो कितने हैं हमारे, 21 है. अब यहाँ पे ऑपरेशन से जो मतलब है, ऑपरेशन से क्या मतलब है, यहाँ पे दो लेवल होते हैं. देखो पहला लेवल क्या करता है, दो लेवल पे काम करा जाता है. एक लेवल वो होता है जो क्या करता है, हमारा इंक्वायरी को सुनता है. मीन्स अगर हमने फोन किया, अगर किसी फार्मर ने वहां पे फोन किया, फोन आ रहे हैं हमारी, मैं फार्मर हूं, मैंने अगर फोन किया है कहां पे, किसान कॉल सेंटर पे, तो क्या है पहला लेवल का जो होता है वो इंक्वायरी सुनता है. इंक्वायरी ये होती है कि अगर किसी फार्मर को कोई भी अपनी क्रॉप्स में दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है. और जो दूसरा जो होता है, दूसरे लेवल का जो होता है, जो उनका सीनियर लेवल होता है, वो क्या करता है, एनालाइज कर रहा होता है. एनालाइज मतलब ओवरऑल देख रेख करना. एक जूनियर लेवल है जो कि क्या कर रहा है, जहां पर वो कॉल आंसर की जाती है, और एक सीनियर लेवल है जहां पर क्या की जाती है, क्वेरी को हमारा एनालाइज किया जाता है, एरिया स्पेसिफिक की कौन सी प्रॉब्लम है जो कहां पे आ रही है हमारी. नेक्स्ट, इसमें जो टोटल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे टोटल लैंग्वेज जो ऑपरेट हो रही है कहाँ पे, किसान कॉल सेंटर में, केसीसी में, वो हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस ऑपरेट होती हैं. किसान कॉल सेंटर जो हमारा है, किसान कॉल सेंटर क्या करता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फार्मर फ्री थ्रू टोल फ्री नंबर. किसान कॉल सेंटर का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री टोल फ्री नंबर पर, जो कि टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 1800 180 1551. ये हमारा क्या है, किसान कॉल सेंटर का क्या है, हमारा टोल फ्री नंबर है. आगे की अगर हम बात करें, आगे जो हमारी स्कीम आ गई है, हमारी स्कीम क्या है हमारी, और यहाँ पे किसान कॉल सेंटर में भी ध्यान रखिए, किसान कॉल सेंटर क्या करता है हमारा, ये इनकी कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती है, ठीक है ना. संडे सैटरडे ये वर्क करते हैं हमारे, लेकिन क्या होता है, इनको जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं हमारे, जैसे होली दिवाली हो गए मेन, यहाँ पे इन्हें क्या मिलती है, छुट्टी मिल जाती है. अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की बात करें, तो हमारी स्कीम आ गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY हमारी ये स्कीम है. ये हमारी लॉन्च कब हुई है, ये हमारी लॉन्च हुई है 2015 के
अंदर लॉन्च्ड हुई है, और जो इसका जो एम है, जो एम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये क्यों मिलती है लोन अप टू 10 लाख तक पे, क्या करती है ये अप टू 10 लाख पे ये लोन देती है टू द नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइसेस के लिए क्या करती है ये हमारा लोन प्रोवाइड करती है। और जो इसके लिए मिनिमम एज है, द मिनिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो मुद्रा लोन की एज है जो आप ले सकते हो वो कितनी है हमारी 65 ईयर्स है। मतलब आप 18 से 65 तक का क्या इसे लोन ले सकता है। किस चीज के लिए करता है ये प्रोवाइड लोन्स 10 अप टू 10 लाख, वो भी 10 लाख सॉरी नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फर्म स्मॉल माइक्रो, जो हमारे छोटे जो हमारे एंटरप्राइज मतलब जो व्यापारी होते हैं। द मुद्रा लोन्स आर प्रोवाइडेड अंडर 3 कैटेगरीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है हमारा 3 कैटेगरी के अंदर क्या करता है मुद्रा लोन देता है। अब कैसे देता है, अंडर शिशु अप टू ₹50,000 अंडर 50,000 तक का लोन देता है। शिशु वाली कैटेगरी में पहली कैटेगरी शिशु कैटेगरी, दूसरी हमारी किशोर कैटेगरी और थर्ड हमारी तरुण कैटेगरी है। यहाँ पे क्या करता है 50,000 तक का लोन देता है शिशु कैटेगरी में, और अगर कोई किशोर है किशोर लोन लेने गया है तो उसको क्या किया गया है यहाँ पे अंडर किशोर किशोर फॉर्म बिटवीन उसे कितना दिया जाता है यहाँ पे 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का यहाँ पे क्या दिया जाता है लोन दिया जाता है। और जो हमारी तरुण कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको क्या किया जाता है यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक का क्या किया जाता है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो मुद्रा क्या है हमारी, मुद्रा वाली जो हमारी स्कीम है इसके अंदर हमारी 3 कैटेगरी है जो कि हमारी शिशु किशोर तरुण है। शिशु में क्या है 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में क्या है 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का आप वहां पे लोन ले सकते हो, तरुण कैटेगरी में क्या है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो 5 लाख से 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारी क्या है, ये लॉन्च कब हुई है हमारी 18 फेब को लॉन्च हुई है 2016 में, ठीक है ना। और कवर क्या करती है हमारे ऑल फूड ग्रेन्स कवर करती है, ऑयल सीड्स एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप ये क्या करती है हमारी कवर अप करती है। कौन करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा से ही समझ आ रहा होगा, इंश्योरेंस वाली स्कीम है ये हमारी। ये क्या करती है हमारी फूड ग्रेन्स ऑयल सीड्स एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को क्या करती है कवर करती है, लेकिन ये उन क्रॉप्स को कवर नहीं करती। कौन सी क्रॉप्स को, जो क्या है आपके एरिया में क्या है नई नई ग्रो हो रही है। जैसे अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब के अंदर क्या है स्ट्रॉबेरी नहीं होती है, लेकिन क्या है स्ट्रॉबेरी अगर ग्रो करना शुरू कर दिया तो क्या होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फसल बीमा योजना के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा के जो बेनिफिट है लेने के लिए क्या है उस क्रॉप का क्या होना चाहिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। कब का होना चाहिए डेटा, पिछले 5-7 सालों का तो वो डेटा आपके पास होना चाहिए। और जब आप अभी अभी पंजाब में उसे ग्रो करना शुरू करें तो आपके पास डेटा कहां से होगा, तो ये क्या है जो ये नई इंट्रोड्यूस स्कीम होती है उस केस में आपको उस क्रॉप को कवर नहीं किया जाएगा, वरना सारी की सारी क्रॉप यहाँ पर क्या होती है हमारी कवर अप होती है। किसके अंदर हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हमारी क्रॉप कवर होती है। ये क्या है हमारी क्रॉप है वन सीजन वन रेट वाली क्रॉप है भैया। मैक्सिमम इसका जो 2% है किसके लिए हमारी खरीफ के लिए, 1.5% है रबी के लिए, और 5% फॉर एनुअल कमर्शियल जिसके अंदर हमारी कॉटन शुगर केन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी सारी आती है। मींस क्या है एक सीजन का एक ही रेट है, फसल चाहे हमारी क्या हो कोई भी हो 2% खरीफ के लिए रखा गया है, 1.5% रबी के लिए, 5% हमारी एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, और कॉटन शुगर केन के लिए भी यहाँ पे क्या है 5%। और क्यों है शुगर केन क्या है हमारी, जैसे ये हमारी इसमें इसलिए ज्यादा रखा गया है वो इसलिए 5%, क्योंकि जो शुगर केन वगैरह वाली क्रॉप है ये क्या होते हैं ये एक साल वाली क्रॉप होती है, जो इनका ड्यूरेशन होता है एक साल का होता है, इसीलिए इनका जो प्रीमियम परसेंटेज रखा गया है यहाँ पे कितना रखा गया है 5% यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कवर्स क्या करती है, ये कवर्स ऑल रिस्क ऑफ क्रॉप साइकिल, प्रिवेंटिव सोइंग रिस्क टू स्टैंडिंग क्रॉप्स जो हमारी खड़ी क्रॉप्स हैं, एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और जो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फॉर कट एंड स्प्रेड क्रॉप्स ऑन फील्ड अप टू क्या हमारी कितने दिनों के लिए 14 डेज ड्यू टू साइक्लोन साइक्लोनिक रेन्स एंड
एंड अनसीजनल रेन्स। यहाँ पे क्या है, सारे क्या करती है ये हमारी प्रधानमंत्री, कौन सी वाली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सारे रिस्क को क्या करती है, क्रॉप के कवर करती है। प्रिवेंटिंग सोइंग भी क्या करती है, ये हमारी कवर अप करती है, किसी अगर कारणवश अगर आपकी सोइंग नहीं करने दी, माना मौसम इस बार क्या है हमारा बहुत खराब हो गया, खराब हो है, ठीक है, तो क्या है फसल की क्या होगी, हमारी जो हमारी क्रॉप है उसकी बुवाई नहीं होगी, तब भी क्या होगा इसमें रिस्क कवर अप होगा, और रिस्क जो हमारा कवर अप होगा वो क्या होगा 25% होगा, और आपको टोटल सम का दिया जाएगा इसमें। जैसे माना अगर हमारी एक फसल है उसको क्या है, अगर उसका इंश्योरेंस है, अगर 10 लाख का था उसका इंश्योरेंस और किसी कारण से क्या हुई, सोइंग को क्या करी गई, रोक दिया गया, तो हमने क्या किया, फसल ग्रो ही नहीं करी, तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, मतलब 25% का क्लेम मुझे यहाँ पे मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्रो तो हमने क्या करा, करी ही नहीं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, ग्रो करना अगर हम इसमें इसको ग्रो करते तो हमें क्या होता, फायदा ही होता, लेकिन हम ग्रो नहीं कर पाए, इसलिए क्या हुआ, हमें यहाँ पे लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो यहाँ पे क्या किया, 25% का क्लेम हमें तब भी मिलेगा ही, किसके अंदर, हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है 14 डेज ड्यू टू साइक्लोन, साइक्लोनिक रेन और अनसीजन, इसमें वो कवर अपनी फ्लड, अगर फ्लड है, रेनफॉल है, ड्रॉट है, साइक्लोन, ये सबसे अगर नुकसान हो जाता है तो इस स्कीम के अंदर क्या है, कवर उसे किया जाएगा। सिर्फ इनको अगर फायर से लॉस हो गया, माना आपकी क्रॉप में आग लग गई, फायर से लॉस हो गया, या फिर वाइल्ड एनिमल ने क्या कर दिया, आपकी क्रॉप पे अटैक कर दिया, तो इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर उन्हें कवर अप नहीं किया जाता है। और अकाउंट ऑन अकाउंट पेमेंट अप टू 25% ऑफ सम ड्यू टू प्रिवेंटेड सोइंग और मिड सीजन एडवर्सिटी। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपने क्या करी है, अगर यहाँ पे आपने क्या करा है, ऑन अकाउंट पेमेंट अप टू 25%, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 25% का आपको सम इंश्योरेंस ड्यू टू प्रिवेंट सोइंग पे क्या करेगा, यहाँ पे मिड सीजन एडवर्सिटी में यहाँ पे लगेगा। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अगर आपकी क्या है, अगर हमने सोइंग करी है स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी क्रॉप पर अगर नुकसान हो गया है तब भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 14 दिन तक के ही होने चाहिए, उसके बाद क्या किए जाते हैं, ये कवर अप नहीं किए जाते हैं। 14 दिन का ही जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से प्रिवेंटिंग सोइंग हो गई, या फिर स्टैंडिंग क्रॉप में भी लॉस हो गया, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद लॉस हो गया, सब क्या है इस फसल बीमा योजना के अंदर कवर अप कर देगी, और आधे सीजन में क्या करेगी, ये फसल क्या हो गई, खराब हो गई, तो भी इसमें हमारी कवर अप करेगी। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम आती है, हमारी ई नाम स्कीम आती है, जो कि हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाली स्कीम है। ये क्या है हमारी, जो इसे लॉन्च किया गया था, लॉन्च कब किया गया था, 14 अप्रैल 2016 में इसे क्या किया गया था, हमारा लॉन्च किया गया था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि ई नाम है। स्कीम वॉज अप्रूव्ड, इसे जब अप्रूवल मिला था वो कब मिला था, 1 जुलाई 2015 को इसको अप्रूवल मिला था, विद एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज 200 करोड़ टू लिंक 585 होलसेल एपीएमसी। एपीएमसी क्या है हमारा, जिसके अंदर में क्या आती है, हमारी मंडियां आती हैं, जो क्या है हमारे वहां पर क्या है लोकेटेड है, इन मंडियों को क्या करती है, कंट्रोल करता है एपीएमसी, बदले में क्या लेता है इनसे, टैक्स, कमीशन, फीस लेता है, चार्जेस लेता है, ठीक है ना। एपीएमसी क्या है हमारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी, ठीक है। एपीएमसी क्या करता है, एपीएमसी मंडीज अक्रॉस द कंट्री थ्रू अ कॉमन ई प्लेटफॉर्म में ड्यूरिंग 2018-19 एंड 2019-20 415 इसमें एडप्ट कर दी गई है, मंडीज वर लिंक्ड, जो कि किसमें रजिस्टर्ड है, हमारे ई नाम प्लेटफॉर्म में हमारे रजिस्टर्ड है। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो हमारी पहले कितनी मंडियां थी हमारे यहाँ पे 585 यहाँ पे हमारी मंडियां थी, बाद में क्या कर दिया गया, इनमें 415 मंडियां और एड कर दी गई, 585 के अंदर 415 ऐड कर दी, तो क्या हुआ, जो इस टाइम पर जो हमारी मंडियां हैं ई नाम के अंदर पर, वो कितनी हो गई है, हमारी 1000 मंडियां हैं ई नाम में, क्या है हमारी ये सारी मंडियां क्या है हमारी रजिस्टर्ड है। और एपीएमसी क्या है हमारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी है, जो कि क्या करता है हमारा, जिसके अंडर में क्या आती है हमारी मंडियां आती है सारी की सारी, जो आपकी जगह पे भी लोकेटेड होंगी, है ना, जहां पे सुबह सुबह बोली लगती है, मंडियों में जाते हैं हमारे फार्मर्स वगैरह,
सब्जियां लेने, तो ये किसके अंदर आती है, हमारी एपीएमसी के अंदर आती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, हमारे वहां पर लोकेटेड होती है। और इन मंडियों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा एपीएमसी कंट्रोल करता है। बदले में वो क्या लेता है, टैक्स लेता है, कमीशन फीस चार्जेस वगैरह ये हमारा लेता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ईनाम, अपैन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है, इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग मंडीज टू, क्या बोला गया है यहाँ पे, वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज इन इंडिया। यहाँ पे क्या है हमारा ई नाम में जो सबसे ज्यादा हमारी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, वो हमारी कहाँ है, राजस्थान में है, और सेकंड रैंक में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पैन इंडिया है ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, और जो इसका ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग मंडीज टू वन नेशन, यहाँ पे क्या बोला गया, एक नेशन और एक मार्केट और एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया विद द ओवरऑल सक्सेस 585 मंडीज इन फेज वन में। पहले कितनी थी हमारी 585, और फर्दर जो एक्सपेंड कर दी गई है, जो बढ़ा दी गई है, इट्स विंग टू इंटीग्रेट 415 और एडअप कर दी गई है न्यू मंडीज कौन से फेज टू में। द ई नाम प्लेटफॉर्म नाउ हैज अ टोटल मंडीज जो है, इसमें अब 1000 मंडीज है हमारी अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के अंदर हमारी अब कितनी हो गई है, 1000 मंडियां हो गई हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला, 585 मंडियां पहले थी और अब 415 क्या कर दी गई है, एडअप कर दी गई है इसमें। तो टोटल कितनी हो गई हमारे, 1000 मंडियां हमारी हो गई। एट प्रेजेंट इस टाइम पे 175 अर्लियर 150 कमोडिटीज इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड किया गया फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग ट्रेडेड ऑन ई नाम के थ्रू, क्या हो रहे हैं ये ट्रेड हो रहे है हमारा। ई नाम मंडीज क्या है, हमारा ई नाम मंडीज है, टोटल ई नाम मंडीज हमारी कितनी है, 1000 हमारी क्या है टोटल ई नाम मंडीज है, जो कि हमारी 585 क्या थी पहले थी, उसमें हमने 415 भी क्या कर दी, एडअप और कर दी है। तो ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है, सबसे पहले नंबर पे क्या है, जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड है हमारी राजस्थान में है, फर्स्ट राजस्थान आता है रैंक, सेकेंड रैंक हमारी आती है उत्तर प्रदेश की, और थर्ड रैंक हमारी आती है आपका गुजरात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, वन मिनट, कॉल सेंटर नंबर, जो हमारे कॉल सेंटर नंबर है, जो कॉल सेंटर नंबर दिया गया है, कॉल सेंटर नंबर फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ ई नाम फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब सामान लाने ले जाने के लिए ई नाम का कॉल सेंटर नंबर रखा गया है, कितना हमारा 1800-270-0224 फार्मर्स एफपीओ बिजनेस पर्सन सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कॉल सेंटर नंबर रखा गया है यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए, तो ई नाम का कॉल सेंटर नंबर हमारा क्या है, 1800-270-0224। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले क्या होता है नंबर, कोरोना टाइम पे क्या होता, हमारे पेंडेमिक के टाइम पे ये क्या किया था, नंबर की इसकी शुरुआत की थी, क्यों की थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन था वो अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग से हेल्पलाइन दे दी, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है तो इस लॉजिस्टिक सपोर्ट पे आप हेल्प ले सकते हैं, आपकी मदद यहाँ पे की जाएगी। तो ये जो नंबर है ये कोरोना के टाइम पे क्या किया था, इसे शुरुआत कर दी गई थी। थैंक यू सो मच।